हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 का। और एज़ यू नो दैट के चैप्टर नंबर 9 इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम एज अ कॉमन एटम इन द फंक्शनल ग्रुप। तो चैप्टर नंबर 9 में हम अल्कोहल पढ़ेंगे, ईथर पढ़ेंगे, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। तो चैप्टर नंबर 9 जो है इसमें हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड मेथनॉल। मेथनॉल इज आल्सो कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल, हालांकि इसका एक और नाम भी है वुड स्प्रिट। तो वो हम वुड स्प्रिट क्यों कहते हैं वो उसकी प्रिपरेशन में आप समझ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं मिथाइल अल्कोहल जो है उसकी प्रिपरेशन का पहला मेथड, एंड दैट इज फ्रॉम वुड। वुड से मिथाइल अल्कोहल को बनाने का जो तरीका है उसमें हम क्या करते हैं कि वुड जो है उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हम वुड को स्ट्रांगली हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन। तो वुड ऑन स्ट्रांग हीटिंग स्प्लिट अप इनटू द टू फ्रैक्शन, वन ऑफ दैट इज द इन्फ्लेमेबल गैसेस और दूसरी हमें चीज़ मिलती है वो मिलती है पाइरोलिजिनियस एसिड। अब ये जो पाइरोलिजिनियस एसिड है ये डार्क ब्राउन कलर की एक सॉल्यूशन होती है जो कि एसिडिक सॉल्यूशन होती है, एंड इट्स अ मिक्सचर ऑफ मैनी कंपाउंड लाइक मिथाइल एसीटेट, लाइक एसीटोन, एसिडिक एसिड एंड मिथाइल अल्कोहल। अब इस मिक्सचर में से मिथाइल अल्कोहल को अलग करना है तो मिथाइल अल्कोहल को अलग करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि गो फॉर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो जब पाइरोलिजिनियस एसिड को फ्रैक्शनली डिस्टिल किया जाता है तो पाइरोलिजिनियस एसिड एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स अस द मेथनॉल, और मेथनॉल इज ऑब्टेन्ड अबाउट 64.7 डिग्री सेल्सियस जो कि मिथाइल अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट है। क्योंकि मिथाइल अल्कोहल को हमने वुड से बनाया तो इस वजह से हमने क्या कहा, वुड स्पिरिट। पर याद रखो कि पाइरोलिजिनियस एसिड जो है उसमें जितनी भी लिक्विड फ्रैक्शन हैं उनको वन बाय वन उनकी बॉइलिंग पॉइंट पर जब डिस्टिल किया जाता है और वो जब डिस्टिल हो जाएं तो उसके बावजूद जो रेसिड्यू बच जाए, जो रेसिड्यू बच जाए सॉलिड फॉर्म में, उस रेसिड्यू को हम कहते हैं वुड चारकोल। क्या बोलते हैं उसको हम, वुड चारकोल। तो वुड चारकोल भी इसी सीक्वेंस में आता है। एक और तरीका है मिथाइल अल्कोहल को बनाने का जो कि मॉडर्न मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है, या बिग स्केल प्रिपरेशन जो आजकल की जाती है वो की जाती है फ्रॉम वाटर गैस। वाटर गैस एज यू नो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इट इज सब्जेक्टेड टू द कैटलाइटिक हीटिंग एट अबाउट 400 to 500 in the presence of zinc oxide and chromium oxide, the catalyst, and about 200 atm pressure. And by the combination of these two molecules, we get the methyl alcohol, or simply you can say the methanol. ठीक है, दो ही मेथड है प्रिपरेशन के। अब हम बात करेंगे मिथाइल अल्कोहल जो है उसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी। मिथाइल अल्कोहल जो है वो एक कलरलेस लिक्विड है, वॉलेटाइल है, इनफ्लेमेबल है, और उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 64.7, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 0.796 एट अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और मिथाइल अल्कोहल टॉक्सिक है, पॉइजनस है, और मिथाइल अल्कोहल जो है इट्स सॉल्युबल इन वाटर। मिथाइल अल्कोहल पानी में सॉल्युबल है, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, पानी में भी आप जानते हैं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो मिथाइल अल्कोहल पानी में जो सॉल्युबल है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि मिथाइल अल्कोहल पानी के साथ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। एक और पॉइंट है जो कि है इनके केमिकल रिएक्शंस। मिथाइल अल्कोहल के जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें सबसे पहला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से रिलेटेड कुछ आउटलाइंस हैं जो याद रखनी है, जैसे कि नंबर 1, प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं जब इनकी ऑक्सीडेशन की जाती है तो वो कन्वर्ट होते हैं एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होने के बाद बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं जब उनकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है कीटोन, और कीटोन जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो भी बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं वो नॉर्मली ऑक्सीडाइज नहीं होते, और इन अल्कोहल को और एल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है इसे मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। मिथाइल अल्कोहल चूंकि एक प्राइमरी अल्कोहल है तो ये कन्वर्ट होता है फॉर्मल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में, चूंकि हम बात कर चुके कि प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट होगी एल्डिहाइड में। और अगर इस एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन अगर जारी रहे तो फिर ये बन जाता है फॉर्मिक एसिड। एल्डिहाइड
प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड और अल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफ़र है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पार्ट मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल सेम रहते हैं, यानी जितने कार्बन अल्कोहल में उतने कार्बन अल्डिहाइड में होंगे, और जितने कार्बन अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होने के बाद बनने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे। एक और रिएक्शन जो हमें डिस्कस करना है, नाउ दिस इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर के साथ एक आउटलाइन है कि जब भी किसी अल्कोहल को, किसी भी अल्कोहल को, एलिफेटिक एरोमेटिक नो प्रॉब्लम, कोई भी अल्कोहल हो, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाए, इवन कार्बोक्सिलिक एसिड भी जो है एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, नो इशू, तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो ईस्टर होगा और उसके साथ बनेगा वाटर। अब जैसे कि ये एस्टरिक एसिड है, ठीक है, और ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल और एस्टरिक एसिड जो हैं ये आपस में रिएक्ट करते हैं, और इस तरह से आप देख सकते हैं एच एंड ओ एच दे कम्बाइन टू फॉर्म वाटर, वाटर एलिमिनेट होता है, इस तरह से प्रोडक्ट बनता है मिथाइल एसीटेट। इस्टरीफिकेशन एक तरह से कंडेंसेशन प्रोसेस है जिसमें दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं विद द लिबरेशन ऑफ वाटर, और कंडेंसेशन तो आप सब जानते हैं कि इसमें पानी एज अ बाय प्रोडक्ट होता है, तो इस केस में भी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है। ठीक, अच्छा, ये जो आउटलाइन मैंने दी है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की जिसमें ईस्टर बना, अगर फ़र्ज़ करो कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड लिया और हमारा अल्कोहल जो मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, तो प्रोडक्ट बना मिथाइल एसीटेट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इथाइल अल्कोहल होगा, उसमें हम मिथाइल अल्कोहल के बजाय अगर इथाइल अल्कोहल ले लें तो प्रोडक्ट ईस्टर तो बनेगा, लेकिन ईस्टर जो होगा वो इथाइल एसीटेट। ठीक है, एक और रिएक्शन है रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। ये बात हम चैप्टर नंबर 8 में ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम किसी भी अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर किसी भी अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हैलोजन एसिड जो मैंने लिया वो HCl है, यहाँ पर क्लोरीन OH को रिप्लेस करती है, और इस तरह से H और OH ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द जिंक क्लोराइड जो कि इस केस में कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। ठीक, तो ये है इसके केमिकल रिएक्शन। तो चलते हैं मिथाइल अल्कोहल जो है उसके यूजेज। मिथाइल अल्कोहल के जो यूजेज हैं उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं याद रखें कि एक तो वो कि ये सॉल्वेंट है, मिथाइल अल्कोहल एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट किसके लिए है, सॉल्वेंट फॉर फैट्स, रेजिंस, पेंट्स, वर्निशेज, इन सब का जो है ये सॉल्वेंट है। मिथाइल अल्कोहल इज यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मेकिंग ऑफ एंटी फ्रीज सोल्यूशन। इवन मिथाइल अल्कोहल से हम अल्डिहाइड बना सकते हैं ऑक्सीडेशन से, ये बात हम पहले कर चुके, और फॉर्मल्डिहाइड जो है इसको फिर आगे जाके फॉर्मलिन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर कोई आपसे पूछे कि फॉर्मलिन क्या है, तो फॉर्मलिन जो है ये असल में 40% अक्वस सॉल्यूशन है, 40% अक्वस सॉल्यूशन है किसकी, फॉर्मल्डिहाइड की। तो फॉर्मल्डिहाइड की अक्वस सॉल्यूशन जो 40% है इसको हम कहते हैं फॉर्मलिन। फॉर्मलिन एक एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट भी है, और इस वजह से फॉर्मलिन का जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, जैसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज हैं उसको प्रिजर्व करना है, इवन किसी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर प्रिजर्व करना है तो हम उसको फॉर्मलिन की जो सॉल्यूशन है उसमें डिप करके रखते हैं। नतीजे में क्या होगा कि उसके जो टिश्यूज होंगे वो डिकम्पोज होने से, बैक्टीरियल एक्शन से वो बच जाएंगे और वो प्रिजर्व हो जाएंगे। इसके अलावा मिथाइल अल्कोहल जो है इज आल्सो यूज फॉर डीनेचरिंग द अल्कोहल। जो लोग अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, तो वो बेसिकली इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल में अगर मिथाइल अल्कोहल मिक्सअप किया जाए, तो चूंकि आप जानते हैं कि मिथाइल अल्कोहल एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो इस वजह से इथाइल अल्कोहल जो है वो अनफिट हो जाता है फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। तो इस वजह से हम मिथाइल अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल को डीनेचर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और जब मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल के साथ मिक्सअप होगा तो उस कम्बिनेशन को हम कहते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट। क्या बोलते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो ये हमारा टॉपिक मिथाइल अल्कोहल, और अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद के लेक्चर में वो हम डिस्कस करेंगे इथाइल अल्कोहल। दैट्स इट।